हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान समय रे सबुठारु बड़ा खबर ब्रेकअप होई अलगा होइतबा राजेश और श्रद्धा वर्तमान समय रे फूनी एकाठी होइछंती। त फूनी थरे सेमानक मध्य रे प्रेमर संपर्क गढ़ी उठिछि। त फ्रेंड्स, सही घटना ती केमिति हला आ सेमाने फूनी एकाठी केमिति हले जानिबा पई हले आपण माने वीडियो टिक पूरा शेष पर्यंत देखंथु। आ इहा पूर्व जदि आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करिनाथि ताहले सब्सक्राइब करी पाखरि थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु आगक ओही भली हॉलीवुड संभवित बा सीरियल दुनिया विषय रे अधिक खबर फ्रेंड्स। आपण माने जानिथिबे हॉलीवुड रा जबरदस्त जोड़ी श्रद्धा और राजेश परस्पर को सुटिंग सेट रो भल पाई बसिथिले। आउ तांका भल पाइबा बाहाघर पर्यंत भी पहुंची जाइथिला। दुहे परस्पर को निर्बंध मध्य करि नैथिले, किंतु कोनोसी कारण जोगु परस्पर को ठारु अलगा होई जाइथिले। आउ सेमानक मध्य रे ब्रेकअप मध्य होई जाइथिला। दुहे दुहिंका फोटो गुड़िका निज सोशल मीडिया अकाउंट रो डिलीट करि दैथिले। दुहे परस्पर को ठारु अलगा होई जाइछि बोली निज सोशल मीडिया अकाउंट रे स्वीकार करिथिले। किंतु फ्रेंड्स, वर्तमान समय रे पुणी थरे एकाठी देखिबा को मिलुछंते राजेश और श्रद्धा को। तो फ्रेंड्स, आपण माने जानिथिबे दुहे गोटिए वेब सीरीज करथिले गत वर्ष, जहार ना थिला साहेब बीबी और साला। तो यही वेब सीरीज को बहुत सारा दर्शक माने बेस पसंद मध्य करथिले। आ इहा छडा बेस लोकप्रियता मध्य हासिल करि पारिथिले हॉलीवुड रा जबरदस्त जोड़ी श्रद्धा और राजेश। पुणी थरे यही जोड़ी को आपण माने गोटिए नुवा वेब सीरीज रे देखिबा को पाउथिबे, जहार ना रहिछि साहेब बीबी और डार्लिंग। तो यही वेब सीरीज टी वर्तमान समय आरंभ होईछि। आउ एथिरे एकाठी अभिनय करथुबार देखिबाकु मिलिछंति श्रद्धा और राजेश। आउ इहार प्रथम एपिसोड टी प्रसारित होई सारिलानी, जेउथिरे राजेश और श्रद्धा एकाठी अभिनय करछंति। दुहे प्रेमी जुगल भली फूणी थरे यही शो रे अभिनय करुछंति। यही शो शूटिंग वर्तमान समय आरंभ होई जाइछि। किंतु फ्रेंड्स, एही दुहिंका मध्यरे पूर्व भली संपर्क अछि कि नाही ताहा त समय कहिबो। ताहले फ्रेंड्स, आपण मानकु राजेश और श्रद्धाक जोडी केमिति लागुछि, आउ तांका अभिनय आपण मानकु केमिति लागुछि, आमको कमेंट बॉक्स से निहाती भाबे कमेंट करि जणाइ दियौ। आगकु एही भली हॉलीवुड संभवित बा सीरियल दुनिया विषय रे अधिक खबर जानिबा पई हेले आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करि पाखरि थबा बेल आइकन को दबाई दियौ।